हम इस वक्त है इस्लामाबाद में हो रहे हैं, हम इस वक्त ट्रेल 5 पे हाइकिंग ट्रैक पर, और हमारे साथ है हमारी बहुत ही मुख्तरम शाहिद साहब, और इस बंदे को तो आप जानते होंगे। हेलो। तो हम ट्रेल 5 पे जाएंगे, आगे आपको दिखाएंगे भी। ये टोटल ट्रैक जो है 4.5 किलोमीटर है पीर सुहावा रोड तक, जो इस्लामाबाद का वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक, लोग इस वक्त जाते हैं। अभी 6 बज रहे हैं शाम के वक्त, और टैलेंट भी हम देखेंगे शाहिद साहब का। तो आगे चलते हैं और आपको ट्रेल 5 दिखाते हैं इस्लामाबाद का। यार तो आपको एक और चीज़ मजे की बताऊंगे, जो इलेक्शन कमीशन की सीढ़ियों का खौफ है ना, वो हमसे निकल जाए, वो उधर जाए, हम फोर्थ फ्लोर पे आसानी से फिर जा सकते हैं। बिल्कुल सर, फोर्थ फ्लोर पे जा सकते हैं। ट्रैक कंटिन्यू है हमारा, अभी स्टार्ट किया हमने। देखे तो देखते हैं आगे का ट्रैक कैसा है, अभी तो स्टार्ट किया हमने। का ये ट्रैक जो है ये ठंडा है बनिस्बत इस्लामाबाद की जो गर्मी है आजकल, क्योंकि आज 3 जून है ना, और 3 जून की गर्मी, आज लू भी चल रही थी, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि ट्रैक जो है वो बहुत ही सुहाना है और अच्छा है। मरगला की पहाड़ियों के बीचों बीच ये ट्रैक। नईम साहब, कैसे लग रहा है ट्रैक? बहुत अच्छा, देख रहे हैं आप, हम गए थे नथिया गली और अब ट्रेल 5 पर ले आए हैं हमें शाहिद इकबाल साहब। यकीन करें हमारे लिए एक पुरवकार, पुरेजाज़ और पुरसताइश का मकाम है। फिर उर्दू में आ गए, मुश्किल है। हम एक ऐसे टैलेंटेड, एक एफिशिएंट हेड हंटिंग पर्सन के साथ जा रहे हैं, जो जो हर चीज़ में करता धरता है। आप ये ट्रैक अगर आप देखें तो साफ भी बहुत ज़्यादा, माहौल भी बहुत अच्छा है। अभी आगे जाके आपको और अच्छा मिलेगा हमें, माशाल्लाह। पूरा ये ट्रैक जो है शायद साहब मेरे ख्याल में दरख्तों के साए में और इनके साए में जा रहा है, तो अगर आप गर्मी के मौसम में भी आएँ तो ये शर्ट पहने हो ना तो वह बंदा आ सकता है। ये है कि जब सफोकेशन हो, समर का वो महीना या वो पार्ट जिसमें मॉइस्चर जो भी आ चुके हैं, यानी जुलाई अगस्त का महीना, पर्टिकुलरली अगस्त थोड़ा सा फिर मुश्किल होता है, मुश्किल है, सफोकेशन होती है ना। अदरवाइज बहुत ही, आप देखें तो ठंडक सी महसूस होती है और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। हमारा सब कुछ बढ़ जाएगा अगर ये जूते को कुछ नहीं होना। जूते आपके ओरिजिनल जूते इसी ट्रैक के लिए बने हैं, ऐसे ट्रैकों के लिए। बस ट्रैक की जो वेट है यानी चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो गई है। अब एडजस्ट कर क्या होगा, अभी टफ आएगा चढ़ाई आएगी, चढ़ाई इन द सेंस ऊपर जाने के लिए। शायद साहब एक छत जैसा बने पेड़ों का। वैसे ये झाड़ियाँ, ये दरख्त है, क्या चीज़ है शायद साहब? ये जंगली झाड़ियाँ हैं। हाँ, जंगली दरख्त हैं, और इस पे यहाँ पे जंगली हैवानात हैं शायद साहब। जी हाँ है, शेर साहब देखा गया था जी, शेर साहब। हाँ, पठान चीते के भी शेर थे, भतीजे में बहुत मिली। अच्छा, और ऊपर गए थे आप? यहाँ से थोड़ी सी देखे चढ़ाई शुरू हो गई शायद साहब। हाँ, टैलेंट मिल गया। अच्छा, चलते चलते टैलेंट मिल गया। टैलेंट तो मिलता है कभी कभी, मिलने से अभी तक हम 1.5 80 तक तो हम साथ कर लेंगे, लेकिन 20 मिनट हो गए हमें, 15 मिनट हर तोकरल ड्रामे में जो था। हाँ, ये वही है, देखो देखो टैलेंट हंट जारी है हमारा। अब जाकर कौन चौक कर दिया हमने, तो कुछ आराम करना चाहिए आज ट्रैक के बाद, क्या ख्याल है? आप एक ही गो में ना जलना चाहिए बिल्कुल, ताकि थके भी नहीं और आराम आराम से एंजॉय भी करें। बिल्कुल,
आधा रहता है, अभी हमें आधा घंटा हो गया, एक दूसरे पे एक घंटे का ट्रैक, एक दूसरे पे रहम भी करें। ठीक है नईम साहब, ये बीच में थोड़ा रुकने की जगह है, यहाँ पे आप आराम भी कर सकते हैं। लोग यहाँ चश्मे से पानी पीते हैं, लेकिन शायद साहब कह रहे हैं, शायद साहब जो जो जूस की बात मैं कर रहा था वो कोई और ट्रैक है। नहीं, वो सियासी बयान था मुझे लगता है। डेढ़ साल फॉर टुडे इंशाल्लाह वी विल कम बैक अनदर ट्रैक विद मोर एनर्जी। 4 किलोमीटर का रास्ता है, रिगोरस एंथुसिज्म, नीचे से 4 किलोमीटर का रास्ता है ऊपर ट्रैक तक, और आप एंजॉय करेंगे इन झाड़ियों में और इन जंगल में इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत ट्रैक है, जरूर एंजॉय करें। विद न्यू विजन, विद न्यू मिशन एंड विद न्यू ऑब्जेक्टिव्स, एंड वी मिस्ड शाहनवाज एंड एहसान शाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।